Hindi pera dito. Speed slow hai badi yaar. कैसे हैं सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। तो गाइस घर जाना है हमने आज, तो आज काफ़ी अरसे के बाद जो है ना फिर ट्रेन पर सफ़र करने का मौका मिल रहा है। किराए सस्ते हो चुके हैं, टाइम काफ़ी बच जाता है, इसलिए फिर जो है ना हम आज सोच रहे थे कि ट्रेन पर जाएँ। ट्रेन पन्नू अंकल आ चुकी है, बस तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना घोटकी स्टेशन पर आ जाएगी। तो यहाँ से तकरीबन जो हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है ना वो 130 किलोमीटर का 100 रुपये किराया बताया हुआ है। अब यहाँ से देखें कि ये क्या किराया लेते हैं। अगर ऑनलाइन कराएं तो 300 रुपये बताते हैं। अभी यहाँ से टिकट चेकर जो है वो देखो अब कितने पैसे लेते हैं या कितने अब देते हैं ये पता चल जाएगा। अभी जा कर टिकट लेते हैं। स्टेशन आ चुका है। ये मेन गेट है उसका, टिकट चेकर वहाँ बैठे हुए हैं। वो टिकट चेकर कह रहा हूँ जिनसे टिकट लेनी है। ये इनके टाइम टेबल लिखे हुए हैं गाड़ियों के सारे, यहाँ से पूछते हैं। ये जी टिकट मिली है मुझे 350 रुपये की। जो मेन असल किराया है इसका वो जो है ना इसने काट दिया है इन लोगों ने, 350 रुपये जो है ना बता रहे हैं किराया। वैसे हुकूमत की तरफ से जो है ना फिर ट्रेन पर जाने का फायदा तो कोई ना हुआ, वही बता रहे हैं जी 100 रुपये 100 रुपये। कहते हैं जी पहले 600 रुपये था तो अब जो है ना वो आपको 350 दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत का जो ऐलान है वो तो फिर किसी काम का ना रहा। ये ट्रैक पे आ गए हैं हम स्टेशन पे। इस तरफ से आएगी कल ट्रेन, इस तरफ जाएगी। स्पीड स्लो है बड़ी यार। ट्रेन आती है 1.25 घंटा लेट है ये ट्रेन। ये है जी मेन रोड, इधर से हम साथ गुजर के जा रहे हैं ना। ये मेन रोड है KLP, इधर से ही हम गुजर के जाते हैं। और मैं इंजॉय कर रहा हूँ दरवाजे में खड़े होके, मैंने कहा चलो इंजॉय कर लेते हैं कुछ देर और आपको बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। ये गंदा पानी खड़ा है सेम वाला, मैं चिंगम खा रहा हूँ सुबह से। तो बस रास्ते में इंजॉय करने के लिए दरवाजे पे आ गया था। वैसे मुझे सीट मिली हुई है, अंदर ही बैठे हुए लेडीज़ साथ है, इसलिए मैं अंदर वीडियो नहीं बना रहा ना। हर किसी की प्राइवेसी होती है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि बंदा जहाँ भी रुके वहाँ वीडियो बनाना शुरू कर दे। ये हाल देख ले, इस तरफ से भी देखे कैसे खूबसूरत मंजर दिखाई देता है ट्रेन से। सफ़र ट्रेन का भाई, मैं तो लाहौर भी जाता हूँ तो ऐसे समझे कि लाहौर ट्रेन पर जाता हूँ। छापड़ उड़ रहे हैं हवा में ना, इतनी स्पीड से जा रही है। आपको कैमरे में लग रही हुई शायद स्लो जा रही है, लेकिन है ये काफ़ी तेज़। ये गाड़ियाँ भी देखें पीछे गुजरती जा रही हैं। ट्रेन का अपना मज़ा है भाई, ट्रेन का अपना मज़ा है। दूर दूर तक सफ़र करना हो तो ट्रेन में जाए बता, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद या कराची की तरफ जाए। कराची की तरफ तो खैर मैं कभी गया नहीं हूँ, लाहौर की तरफ तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ। तो मैं ज़्यादातर सफ़र जो है वो मैं ट्रेन में ही करता हूँ। इसमें बर्थ भी मिल जाता है इजीली, बंदा रेस्ट भी कर लेता है और टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। और ये बैतुल खला मतलब वाशरूम का दरवाज़ा है, ये ऐसे वाशरूम है, इसमें ये भी सहूलत होती है ना वाशरूम की। बाहर अभी गाड़ियाँ जा ही रही।
ये FFC मच गोड 4G फर्टिलाइज़र है। इसके बिल्कुल करीब से जो है ना गुजरती है ट्रेन की पटड़ी, इसके अंदर भी जाती थी ट्रेन की पटड़ी ना, तो अभी बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन इसके अंदर से भी ट्रेन की पटड़ी गुजरती है, जो पहले मतलब के खाद वगैरह यहाँ से लेके जाते थे बाहर, दूर दूर तक खाद जाती थी तो वो ट्रेन पे जाती थी, लेकिन अभी जो है इन्होंने सिस्टम बंद कर दिया, अभी गाड़ियों पे जाती है बस। ये देखिए कितनी बड़ी नहर है, लोग नहाते भी होंगे ना इसमें, और ये उनकी कॉलोनी है रहायश, जहाँ पे ऑफिसर वगैरह के बंगले हैं या रहायश है वो रहते हैं ना यहाँ पे। मैं सोचता हूँ कि ये जो इतनी इतनी दूर घर हैं शहर से, सिटी से इतनी दूर दूर घर हैं, तो ये एमरजेंसी के वक्त क्या करते होंगे बेचारे, आधी आधी रात को यहाँ पर ना लाइट है, ना पीने का साफ पानी है, ना कोई मसला है, ना कोई मसाइल है। देखिए कितनी कितनी दूर जो है ना घर बनाए हुए लोगों ने, यहाँ पर सुकून तो होगा, ये देखिए ये भी घर है, यहाँ पर सुकून तो होगा, लेकिन एमरजेंसी के वक्त इनको जो मसला पेश आता होगा वो इन्हीं को पता होगा। इतनी दूर आई है तो पता नहीं कैसे लोग रहते होंगे यार, हम तो इतनी दूर देख ले, तो इतनी दूर अगर घर भी देख ले तो हमें घबराहट होना शुरू हो जाती है कि भाई कैसे यहाँ रहेंगे हम लोग, हमें तो सोच कर ही घबराहट शुरू हो जाती है, तो रहने की तो बात दूर की है। ये भी देखे घर बने हुए हैं दूर दूर तक, हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है, क्योंकि गाड़ी अभी स्पीड से जा रही है ना, तो बाल भी बार बार उड़ रहे हैं। लोगों ने कपास भी जो है ना काश्त कर दी है। ये शुगर मिल है JD2, जिस ग्रुप में मैं काम करता हूँ ना उसका यही ग्रुप है, और ये 2 शुगर मिल है JD माची गोट में है, और इसका भी ये देखें होटल है। कितनी मिट्टी उड़ रही है यार यहाँ पर, तो ये यार्ड है इसका बाहर ही बनाया हुआ है यार्ड इन्होंने ना, जैसे हमारा अंदर बना हुआ इनका बाहर ही बना हुआ है, साथ ही लोगों के रहायशी हैं। यहाँ से भी लड़का एक काम करता है, मैं यहाँ पे भी शादी पे भी आया हूँ और फोतकी पे भी आया हूँ मैं, शायद आपने पिछला लोग देखा होगा मेरा रमज़ान शरीफ में देखा होगा भी लोग आपने, और ये कब्रिस्तान जहाँ पे हम आए थे वो सामने कोठी बनी हुई है, फाटक है ये, और यहाँ भी आगे ना एक फौजी फर्टिलाइज़र आती है, बल्कि ये फातिमा फर्टिलाइज़र आई है, पहले फौजी फर्टिलाइज़र आई थी अभी फातिमा फर्टिलाइज़र है, ये भी वही खाद की है। वो देखे जो ट्रेन की पटड़ी जा रही है ना वो सीधी अंदर जाती है उसकी, अभी तो ख़त्म कर दिया इन्होंने, लेकिन पहले ये जा रही है साथ साथ, ठीक है, तो ये अंदर जाती थी सीधी अंदर से, फिर खाद उठा के फिर बाहर निकलती थी, लेकिन अभी जो है ना ये गेट है इसका, वो देखे वो अंदर आ गई इसकी ट्रेन की पटड़ी, अंदर से खाद उठा के फिर बाहर निकलता था, लेकिन अभी जो है ना ये काम ख़त्म कर दिया इन्होंने, अब तो गाड़ियाँ भर भर के जाती हैं बस। कितने बड़े बड़े जो है ना इनकी चिमनी बनी हुई है, देखें धुआं निकालने वाली चिमनी इनकी, या तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी ना, जैसे हमारी ये कभी ख़त्म हो रही तो न्यू बनानी पड़ती है, एक ही नहीं कभी ख़त्म होती। और साथ ही इन्होंने अपना ना ये पावर प्लांट बिजली वाला जो बिजली पैदा करता है, क्योंकि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री है तो वो उनका पावर प्लांट खुद होगा ताकि वो बिजली अपनी पैदा कर सकें। और ये साथ ही तालाब बनाए हुए हैं, मच्छी तालाब ऑफिसर्स के लिए, यहाँ से मच्छी भी लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे गंदा पानी भी इन्होंने जो स्टॉक किया होता है बाहर नहीं देते पानी, ये गंदा ज़मीन ले जी। अपने प्यारे सिटी रहीम यार खान में इंटर हो चुके हैं जनाब, ये जी हमारी प्यारी सिटी रहीम यार खान, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे सामने नज़र आ रहे होंगे आपको, ये साथ थोड़ी सी गंदगी है बस इसकी, लोगों ने खुद फैलाई हुई है। देखें यहाँ से स्टेशन शुरू हो जाता है, ये जी प्यारा सिटी रहीम यार खान अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुँच चुके हैं, बस अभी गाड़ी रुके और उतरते हैं नीचे, चलते हैं आगे, फिर आगे बस का सफ़र भी अभी करना है ना मैंने, तो फिर घर पहुँचना है, ऐसे थोड़ी ना पहुँच जाना है घर। अभी बाहर तो बड़ी गर्मी है भाई, पसीना आना शुरू हो गया अभी अभी थोड़ा सा ही चला हूँ, बाहर बड़ी गर्मी है, ट्रेन अभी खड़ी है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी निकल जाऊँ आगे। बैक गाइस, घर में सब सोए हुए हैं, मैं अपने रूम में सोया हूँ आराम से, बच्चों को सख्ती से मना किया था मैंने, कहा मेरे रूम में नहीं आना शाम तक क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो वो कूलर पंखा चला के आराम से एक रूम में सोए हुए हैं और मैं अपने रूम में हूँ। इधर कूलर पंखा जो था मेरा वो ख़राब हो चुका है, तो मैं घर खुद था नहीं तो इसलिए उसे बनाया ही नहीं है, तो कोशिश करूँगा कि आज जो ना चेक करवाता हूँ उसको मैं,
लेकिन मुश्किल लगता है क्योंकि टाइम 4:30 हो रहे हैं अभी, तो मुझे नहीं लगता कि वो बन सके। छोटे भाई के नुमान को ना उसको कह दूंगा कि वो चेक करवाइए, उसके ना जो पर रहे हैं ना हवा देने वाले वो टूट चुके थे पिछले साल पता नहीं कैसे, तो वो बस लगवाने हैं उसको, बाकी उसका काम ओके है सारा। गर्मी बहुत हो गई है घर पे। चलो बच्चे तो स्कूल से सोया करेंगे, आज उसको उतरवा के चेक करता हूँ उस कूलर को क्या मसला है। कुछ तो उसके बटन का मसला था जो ऊपर से होते हैं ना बटन बंद करने वाले, ऑफ ऑन, और पंखे की जो हवा इधर उधर करने वाले वो भी ख़राब थे बटन उसके, वो भी चेक करवाता हूँ। पर जो है उसके वो लगवाने हैं ज़रूर, वो मैं आज जो है ना कोशिश करता हूँ कि अभी उसको चेक करवाता हूँ आगे। चलना आइए ध्यान करें। बच्चे ना बाहर निकले हुए हैं, घर में गर्मी काफ़ी है तो पंखे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ना बस बच्चे एंजॉय करने के लिए निकले हैं। खड़ा हूँ मैं खुद बाहर साथ ही गली में, एंजॉय कर रहे हैं। ये जूता भी पहना हुआ, इतनी ज़मीन गर्म है फिर भी देखो छोड़ दे, नीचे छोड़ दे बस, ख्याल ना रखे आराम। इधर 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 इधर, ओए ओए पीछे आओ, इधर आओ, किसी के घर की जुआ रही हो भाई, क्या हाल है। छोटा भाई ना लेने गया हुआ है सामान, जहाँ से हम किराने का सामान लेते हैं ना वहाँ, तो वो बाइक लेके गया हुआ है, मैं उसके इंतज़ार हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि समोसे खाने, मैंने कहा ठीक है वो आ जाए नुमान तो फिर ना भेजते हैं। ये गली में जो है ना घूम रहे हैं बच्चे, शैतान की टूटी, अब इसको ज़्यादा शैतानी चढ़ी हुई है। मेरे आने से इसको ज़्यादा खुशी होती है, अपने पापा की खुशी नहीं होती जितनी मेरे आने से खुशी होती है इसको। देखो वो भी आ गई है, बस देखो कैसे खुश हो रही है। बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी खुशी होती है बच्चों से मिल के, भतीजे हैं फिर भी। देखो अपने छोटे छोटे बच्चे भी हो ना तो बड़े कभी पहचान करते हैं कि कौन आया है। अभी देखो इसको नहीं पता, हालांकि ये बोल नहीं सकती है, हालांकि बोल नहीं सकती है, पर उसको इतना पता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई है। कितनी खुशी हो रही है इसको। मैं कहीं से आया हूँ इधर रही मेरे हम ब्लड डोनेट करने के लिए। अतीक भाई हैं मेरे दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि यार एक ना हमसाया है हमारा उसको ब्लड चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तो घर आया हुआ था, लेकिन बस मैंने कहा ठीक है दे देते हैं। अभी बस बैठे हुए हैं, ब्लड देना है, ब्लड दे के फिर देखेंगे। 9 बज रहे हैं अभी, खाना भी नहीं खाया। गाइस अंदर आ चुका हूँ, ये थैली लेके आया हूँ ब्लड वाली, यहाँ कोई भी नहीं है और मैं ही हूँ बस। ब्लड देते हैं फिर देखते हैं। गाइज ब्लड दे दिया है, तो अब ये बोतल क्लोज़ कर रहे हैं, थैली जो होती है वो क्लोज़ कर रहे हैं ताकि ब्लड बाहर ना निकले, जिस पाइप से लिया है ब्लड इन्होंने ना अच्छे तरीके से उसको क्लोज़ करके आगे से सील पैक कर देते हैं ताकि फिर ब्लड बाहर ना निकले, नहीं हवा जाए इसमें ख़राब ना हो। और ये ब्लड का साथ दिन नया होता, ये अभी तक लेटा ही हुआ है। मैं उठ के बैठ भी गया हूँ, बस मेरा ब्लड असल में रुकता नहीं है, दो दो तीन तीन दिन इस तरह। फिर अभी फॉर्म रखा हुआ है यहाँ पे कॉटन, और एसी लगा हुआ है, सुकून से बैठे हुए हैं यहाँ पे, मज़े मार रहे हैं।